हमने देखा था कि डायलॉग सॉरी अलर्ट फंक्शन के बारे में, तो अब हम देखेंगे कि विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में। विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन भी हम यानी किसी यूज़र को यानी किसी भी एक मैसेज यानी डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दिस फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले डाटा इन अलर्ट बॉक्स, यानी ये यानी क्या करते हैं किसी भी एक अलर्ट बॉक्स के थ्रू यानी यूज़र को क्या देते हैं, मैसेज देते हैं। इट डिस्प्ले ए स्पेसिफाइड मैसेज अलॉन्ग विद एक ओके बटन। ओके बटन के साथ जब हम किसी भी मैसेज को यानी हम मैंशन करते हैं तो ओके बटन के साथ आ जाते हैं। तो इसमें हम यानी एग्जाम्पल देखेंगे विंडो डॉट अलर्ट और इसके साथ एक स्ट्रिंग, जैसे कि हमने अलर्ट फंक्शन में किया था उसी तरह सेम यानी एक इसी तरह सेम यानी विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन के साथ हम स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन के साथ वेरिएबल को यूज़ करेंगे, विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन के साथ किसी भी एक ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन के साथ यानी किसी स्ट्रिंग और यानी वेरिएबल को यानी हम कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। लेट सी द एग्जाम्पल। तो लास्ट वीडियो में हमने विंडो सॉरी अलर्ट फंक्शन का हम यूज़ किया था। अब इसमें हम सिर्फ यानी क्या यूज़ करेंगे, विंडो डॉट अलर्ट का यूज़ करेंगे। तो चलो हम देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा जूम करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से यानी ये दिख जाएंगे एडिटर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन, फिर इसके बाद फंक्शन का नेम लिखना होता है डिस्प्ले सॉरी हम यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखेंगे सॉरी हम यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा था, हमने यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन विंडो डॉट अलर्ट का यूज़ करना था। तो विंडो लिखेंगे विंडो डॉट ए एल ई आर टी अलर्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग को यानी क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो हेलो मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा। तो जैसे हम अलर्ट फंक्शन सिंपल अलर्ट फंक्शन यूज़ करते थे इसी तरह सेम यहाँ पे भी हम क्या यूज़ कर सकते स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं इसका आउटपुट यानी हेलो वर्ल्ड आता है कि नहीं आता है। देखो आ गया, हमें क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। तो यानी अलोंग विथ यानी हमने एक ओके बटन बोला था, ओके बटन ही आ रहा है। तो जब हम ओके के लेंगे तो इसमें कुछ नहीं होता, डिस्प्ले कुछ नहीं होता। इसी तरह यानी हम अब फिर इसके बाद हमने क्या बोला था, हम एक यानी वेरिएबल के साथ यानी इसको लेंगे। तो वेरिएबल आप लोगों को पता है वेरिएबल के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे वर्ड लिखना होता है वी ए आर वर्ड, फिर इसके बाद कोई भी एक वेरिएबल, फिर इस वेरिएबल इक्वल टू मैं यहाँ पर इसका नाम दूँगी, जैसे वेरिएबल में मैं यहाँ पे लिखूँगी, वेरिएबल का नाम दूँगी stnzin, stnzin otsal otsal लिखूँगी। फिर यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को क्या कर दूँगी, कॉल कर दूँगी। तो वेरिएबल का नाम हमारा क्या था, ए था। तो कंट्रोल एस सेव, फिर इसको मैं क्या कर दूंगी, ब्राउज़र पे जाके मैं रन कर दूंगी। वेट, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, विंडो डॉट अलर्ट तो सही है। अच्छा वेरिएबल को मैंने क्लोज नहीं किया हुआ था, ओके वेट। देखो अभी आ गया यहाँ पे। तो इसको यानी क्या करना होता है, डबल कोट में लिखना होता है वेरिएबल के नाम को, जिसे मैंने यहाँ पे स्तंजिल अच्छा लिखा था। तो यहाँ पे आउटपुट में आप लोगों ने दिख रहा होगा यहाँ पे क्या आ गया, स्तंजिल अच्छा आ गया, दिस पेज साइज स्तंजिल अच्छा। तो इसी तरह यानी हमें क्या करना है,
किसी भी वेरिएबल को, यानी हम विंडो डॉट अलॉट में प्रिंट करना है तो हम ऐसे भी वर भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ नंबर लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जैसे यहाँ पे मैं वेरिएबल नाम लिखूँगी phone, फोन नंबर लिखूँगी। तो ये फ़ोन नंबर यानी हमें इसमें भी देना होगा क्योंकि दिस इज़ द वेरिएबल नेम, नेम ऑफ वेरिएबल। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी, देखो यहाँ पे ये नंबर आ गया। ऐसे यानी हम किसी भी वेरिएबल को भी हम यानी क्या कर सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट के साथ यानी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने बोला था कि लास्ट हमारा थर्ड हमारा क्या था, वेरिएबल आ गया। फिर किसी भी एक ऑपरेटर को यानी हम कैसे वो कर सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 12 + 12 लिखूँगी तो इसका आउटपुट आ जाएंगे बराबर 24 आ जाएंगे इसमें। तो इसका आउटपुट यानी क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। देखो इसका 24 आ गया। इसी तरह यानी हम और एक चीज़ बोला था, हमने क्या बोला था, यानी स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल, जैसे वेरिएबल कैसे जोड़ते, वेर इक्वल टू ए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर इक्वल टू क्या लिखा है, ए लिखा है। ए में मैंने कुछ नाम लिखेंगे, आई टी आई ले लद्दाख मैंने ए के अंदर लिखा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लिखूँगी। स्ट्रिंग आप लोगों को पता है स्ट्रिंग हमें कैसे लिखते हैं, जैसे स्ट्रिंग में मैं लिखूँगी यहाँ पे लोकेशन लिखूँगी LOCATION लोकेशन। फिर इसके बाद यानी इसको क्या करना है, यानी स्ट्रिंग को यानी क्या करना है, कॉन्केट करना है। तो यहाँ पे प्लस साइन देना होगा, फिर इसके बाद वेरिएबल नेम देना होगा। अब इसके बाद यानी आप यानी इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एस सेव, फिर इसके बाद रन कर दो। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आ गया लोकेशन प्लस स्ट्रिंग ITI ले लद्दाख आ गया। तो इसी तरह यानी अगर हम इसमें कुछ स्पेस देना हो तो मैं इसको थोड़ा बी आर देने से ब्रेक होते हैं, स्पेस नहीं होते। तो इसी तरह यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यानी वेरिएबल को यानी स्ट्रिंग के साथ कॉन्फिट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन को, यानी इस फंक्शन को यानी हम मेथड भी कह सकते हैं। देखो इस तरह यानी हम किसी भी वेरिएबल को यानी किस वेरिएबल को यानी स्ट्रिंग के साथ यानी हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं बाय यूजिंग विंडो अलर्ट फंक्शन। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव टेक्स में भी पूछ सकते हैं, यानी विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन को फंक्शन में यानी हम किसी भी इसमें ऑपरेटर को हम यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकते, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। इसमें हम वेरिएबल को कैसे यानी प्रिंट करते हैं वो भी पूछ सकते हैं, और उसके साथ यानी हम किसी एक स्ट्रिंग को यानी हम वेरिएबल के साथ कैसे यानी उसको कॉन्क्रीट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं उसको, यानी ऐसे भी हम यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टेक्स। तो हम आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लिख सकते हैं, हम देख लेंगे कि इसका यानी आप लोगों को ये एक इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।